बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जी इस वक्त मूव करने जा रहे हैं चिरकू पीक के लिए और हमें तकरीबन इस वक्त 16 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। 3 बंदे हमारे लेट हो रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ हैं बिलाल भाई, तैमूर भाई और दूसरे दानिश भाई, दानियाल भाई और लेजेंडरी स्वाद भाई, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर इमरान भाई, उमैर भाई, बाबर भाई, सोहेल भाई और रिजवान सॉरी उजहर भाई और रिजवान भाई और शेख सगीर साहब। और अब ये शेख साहब एक मिनट में भी जाऊँ। और ये जी ये भाई जो वीडियो बना रहे हैं फरहान दबासी साहब, फरहान दबासी पीछे से जाके इंशाल्लाह ये समिट करेंगे कल ख्वाब में। हम अभी मानसेरा पहुँचे हैं जी और टोल प्लाजा मानसेरा का माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है। टोल प्लाजा का ये मोटरवे है, KKH का व्यू है और बहुत ही कोई फिट किस्म का जो है ना यहाँ का आपको व्यू दिखा रहे हैं हम। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही मानसेरा टनल शुरू हो जाता है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इस टनल का अंदर से भी। सुबह के जी 5 बज रहे हैं और हम अभी पहुँचे हैं ये शंकियारी से थोड़ा सा आगे एक जगह है, क्या नाम है शोएब भाई? शालीमार होटल जगह का नाम है। शालीमार होटल जगह का नाम है। नाश्ते के ख्वासो चाय पराठा है, अंडा है, चने है, कलेजी है। नाश्ता करते जी यहाँ से निकलते 20 मिनट का टाइम है, थोड़ा जल्दी करेंगे। नहीं सजा तजवीज़ कर दिया मैंने। थोड़ा जी बंदे को हर काम में बिलाल उतने रोटियां तुम खा से सारी ठीक है ठीक है ठीक है। रिजवान भाई खाना ठीक है, जबरदस्त है मैं कहता हूँ। सगीर भाई, शोएब भाई, नाश्ता स्पॉन्सर्ड बाय जुनेद बिकॉज ऑफ हिज आगे आए डोंट वांट टू मैं बस वो आप कवर अप कर दिया, वो आप कवर अप चाय पी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बदनाम करना फिर दुल्हे में हमें और कुछ भी नहीं आता, बदनाम होगी तो ना होगा। 7:30 हुए हैं और हम अभी जबोड़ी गांव से गुजर रहे हैं, ये देवली से थोड़ा पीछे है। देवली पहुंच गए और यहाँ से हम नेक्स्ट स्टॉप हमारा जीप होगी और जीप से हमारा कितनी देर का ट्रैक है? यहाँ से जीप का कितनी देर का ट्रैक है? 1 घंटा जीप और कितना तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे कितना नहीं मतलब 12-14 घंटे का सफर बनता है। देवली गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहमानवाज थे। सफ़र के आगाज़ से पहले उन्होंने हमें एक दफ़ा फिर से नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद हमने आगे मूव करना शुरू किया और जीप का ट्रैक उसमें स्टार्ट हुआ। तकरीबन 1 घंटे की जीप की ड्राइव थी और रास्ते में बहुत मज़े के नज़ारे थे। जीप इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि रोड बिल्कुल बंद है। सामान से ये आप देख सकते हैं जीप भरी हुई है। ये सारी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। ये आप मैट्रेस आपका नीचे से हवा रोकता है ज़्यादा ठंड में, तो ये बड़ी काम की चीज़ है, ये मैट्रेस मस्ट है। इसी तरह स्लीपिंग बैग वगैरह हम लाएँ। ये जैकेट्स जो हैं ये -30 वाली हैं, इन पर होते हैं इनमें ढक के, तो ये जैकेट्स बड़ी मस्ट हैं आपके लिए। जीप को हमने छोड़ दिया और हम अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यार ये लड़के कौन दर्जे के बेवकूफ़, कौन से वाले ये जो पीछे खड़े हैं और ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, जो लगेज जरूरी होता है सिर्फ वो अपने साथ लेकर आए, ना अपने ऊपर बोझ ज्यादा बनाएं, ना किसी के ऊपर बोझ बने, ठीक है? ऐसे ही है। वो सामान लाएं जो कैरी कर सकते हैं और वो सामान जो जरूरत है। मैंने ये ट्राउजर पहना है, ये 3 दिन बाद या 4 दिन बाद घर जाके उतारूंगा। बैग में मेरा स्लीपिंग बैग और एक एक्स्ट्रा जैकेट और बरसाती पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे पता था ट्रैक मुश्किल है। बर्फ ब्रेक करनी कोई आसान काम नहीं है, ठीक है? विंटर का ट्रैक है, समर में होता है, बंदा लेके भी चला जाता है। बिल्कुल ऐसा सामान का इशू बना हुआ है। मैं अभी बर्फ पाँव के नीचे ही है, आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखा रही है। ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही रास्ते में हमें एक मज़ार मिला, जो कि मकामी बंदे से जब पूछा तो उसने बताया कि ये किसी शहीद का है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी कब्र है। ट्रैक बहुत मुश्किल हो गया और घुटनों तक बर्फ जाना शुरू हो गई है। यहाँ पे 4 फीट+ बर्फ है लेपर्ड के पंजे हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप साइज़ देखें, ये कुछ घंटे पहले के, और आप पाँव का साइज़ देखें। ये लेपर्ड के पंजे हैं जी। तो आप जब भी ऐसी जगह पे आएँ तो अपने साथ गन लाजमी रखें, और कोशिश करें लाइसेंस्ड गन हो। अगर आपके पास लाइसेंस्ड गन नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि जिन पोर्टर्स के साथ आप जा रहे हैं, जो आपको सलाके के लोग हैं, उनसे आपने गन अरेंज करवानी है, और गन के बगैर आपने मूव नहीं करना। बर्फ़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा, इसका आइडिया भाई की हाइट 6 फुट 1 इंच है, और आप आइडिया लगा लें कि उनकी ऑलमोस्ट कमर तक बर्फ़ यहाँ पे पहुँच रही है। यार अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी जगह बनाई है यार, माशाल्लाह। इंसान की आके बस हो जाती है यहाँ पे। या रब्बल आलमीन, तेरा कोई सानी नहीं, तेरा कोई सानी नहीं। रात हमें तकरीबन बाहर गुजारनी पड़ गई थी। हम रात को 8, साढ़े 8 बजे भी अंधेरे में अपनी रहाइशगाह ही ढूंढ रहे थे। इंशाअल्लाह सफ़र के मज़ीद हालात आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे बिलाल भाई की खूबसूरत आवाज़ में। सर बस 2 वर्ड कहूँगा, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था।